अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद, मेरा नाम आमिर है। और दोस्तों, सैमसंग ने मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में अपनी गेम बहुत ही अप कर ली है। पिछले दिनों हमने देखा गैलेक्सी M51 और M31S लॉन्च हुए। वो दोनों फोन्स मुझे बहुत ही पसंद आए, उन पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और कल ही हमने गैलेक्सी A32 के इंप्रेशंस की आपके लिए वीडियो बनाई थी। और हमारी आज की वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ दो ऐसे फोन्स की जिनके ऊपर मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आप लोगों में भी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ये हैं गैलेक्सी A72 और गैलेक्सी A52। अब इन दोनों फोन्स की एक ही वीडियो करने का मकसद ये है कि इन दोनों में काफ़ी सारे फीचर्स एक जैसे ही हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको गैलेक्सी A72 में A52 के ऊपर कुछ अपग्रेड्स दिखेंगे। और हमारी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशंस भी शेयर करूंगा आपके साथ। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि ये दोनों फोन्स मेरे हिसाब से बहुत ही वेल राउंडेड फोन्स हैं। चाहे आप एक एवरेज यूजर हो या एक कैमरा एंथुजियास्ट हो, सोशल मीडिया बफ हैं या बहुत सारी वीडियोस देखते हैं अपने फोन पे, या इवन अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस यूजर हैं या एक गेमर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और टेक की ऐसी वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब वीडियो को अगर शुरू करें वेरियंट्स और प्राइसेस से, तो गैलेक्सी A52 पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है, 8GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस 57,999 रुपए रखी गई है। जबकि गैलेक्सी A72 के दो वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं, 8GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज जो कि 69,999 रुपए का है, और 8GB रैम 256GB बिल्ट इन स्टोरेज जो कि 84,999 रुपए का है। अब इन दोनों फोन्स की बिल्ड प्लास्टिक की है, लेकिन इस बार दोनों फोन्स की बैक मैट फिनिश में है, और इस सैटिन मैट फिनिश के साथ ये फोन सस्ते या चीप नहीं महसूस होते। ये उसी टाइप की मैट फिनिश है जो हमने इससे पहले सैमसंग के गैलेक्सी S20 FE में देखी थी। और बैक पे मैट फिनिश में ही ये अंडरस्टेटेड कैमरा मॉड्यूल्स दिए गए हैं। मेरी नजर में इस नई डिजाइन लैंग्वेज ने गैलेक्सी A सीरीज को एक बहुत ही फ्रेश और ट्रेंडी सा लुक दे दिया है। दोनों फोन्स के आगे गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है, और बिल्ड के हवाले से जो इन फोन्स का सबसे प्रीमियम फीचर है वो है IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। तो ये फोन्स बारिश या इवन थोड़े बहुत पानी में डुबकी भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन इन दोनों फोन्स का जो सबसे बड़ा हाइलाइटेड फीचर है, और सैमसंग ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में बात इसी फीचर से शुरू की थी, और वो है इन फोन्स के कैमरास। दोनों फोन्स के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप्स दिए गए हैं। गैलेक्सी A52 में 64 मेगापिक्सल का F1.8 एपर्चर के साथ ऑप्टिकली स्टेबलाइज मेन कैमरा है, साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जबकि आगे वाली तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। और दूसरी तरफ गैलेक्सी A72 में भी वही 64 मेगापिक्सल का F1.8 एपर्चर वाला ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा है, वही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, लेकिन यहां आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है, साथ में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, और आगे वाली तरफ यहां भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। लेकिन इन दोनों फोन्स के कैमरास की जो सबसे खास बात है वो है OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। और ये खास इसलिए है क्योंकि ये फीचर अब तक हमने ज्यादातर महंगे या प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में देखा है। मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में अब भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एक बहुत ही रेयर फीचर है। डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन के मुकाबले में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की इमेज क्वालिटी बेहतर होती है, क्योंकि इससे आपके कैमरा में ही एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है जो कि आपके हाथों की वाइब्रेशन और कैमरा की मूवमेंट को एब्जॉर्ब करता है, और इससे आपकी इमेजेस में ब्लर भी कम होता है और कैमरा बेहतर फोकस कर पाता है। और ये एक बड़ी वजह है कि हम फ्लैगशिप फोन्स में हमेशा बेहतर इमेज क्वालिटी देखते हैं मिड रेंज फोन्स के मुकाबले में। इसके साथ साथ इस OIS का फायदा उठाते हुए इन दोनों फोन्स में सुपर स्टेडी शॉट वीडियो मोड भी डाला गया है, जिससे आपकी वीडियोस में जो जर्कीनेस है या बहुत ज्यादा झटके हैं उनको बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वीडियोस की क्वालिटी भी बहुत ही बेहतर होगी। मेरे ख्याल में कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होना यकीनन इन फोन्स के लिए एक वाव फैक्टर है। इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही रेयर है कि ऐसा फीचर हम किसी भी फोन के कैमरा में देखें। कैमरा के बाद इन फोन्स का जो दूसरा बड़ा हाईलाइटेड फीचर है वो है इनका डिस्प्ले। यहां भी सैमसंग ने बड़ी बंदूकें निकाल ली हैं। दोनों A52 और A72 में इस बार हाई रिफ्रेश रेट वाले सुपर एमोलेड पैनल्स दिए गए हैं। दोनों फोन्स 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देते हैं, और ये फीचर भी हम सैमसंग जैसे प्रीमियम ब्रांड के मिड रेंज फोन्स में पहली बार देख रहे हैं। दोनों फोन्स के डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ हैं और पीक ब्राइटनेस 800 nits है। दोनों में छोटे छोटे होल पंच कटआउट्स दिए गए हैं, कोई ड्यू ड्रॉप नॉच वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दोनों में बिल्ट इन ब्लू लाइट रिडक्शन टेक्नोलॉजी है आपकी आंखों का ख्याल रखने के लिए, और दोनों फोन्स में डिस्प्ले के अंदर ही ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स दिए गए हैं। बस फर्क साइज का है,
जहां गैलेक्सी A72 में 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, जबकि A52 में उससे थोड़ा सा छोटा 6.5 इंच का डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले के हवाले से इन फोन्स ने एटलीस्ट मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं। एमोलेड, फुल HD रेजोल्यूशन, होल पंच कटआउट्स, इन फोन्स के ऊपर वीडियोस देखना, मूवीज देखना और गेमिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। लेकिन जहां बात हो रही है कॉन्टेंट कंजम्पशन और गेमिंग एक्सपीरियंस की, वहां बात करेंगे इन फोन्स के अंदर एक और वाव फैक्टर की, और वो है इनके ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स। यानी कि इन दोनों फोन्स में नीचे एक स्पीकर दिया गया है और एक स्पीकर एयरपीस में भी है। और इसका फायदा यह होता है कि जब आप इन फोन्स के ऊपर कंटेंट कंज्यूम करेंगे या फिर गेमिंग करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस आपको ज्यादा इमर्सिव महसूस होगा। इससे बेहतर वॉल्यूम्स भी आते हैं, साउंड क्वालिटी भी बेहतर फील होती है, और यह फीचर भी अब तक मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में हमने बहुत ही कम फोन्स में देखा है। ज्यादातर फोन्स इस प्राइस रेंज में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं ऑफर करते हैं। अब यह तो हो गई इन फोन्स की कैमरा गेम और इनकी कंटेंट कंजम्पशन की सलाहियतें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, ये फोन्स परफॉर्मेंस यूजर्स और गेमर्स के लिए भी डिजाइंड हैं, क्योंकि यहां आपको स्नैपड्रैगन 720G के चिपसेट्स दिए गए हैं जो कि 8 नैनोमीटर्स पर बेस्ड हैं। साथ में अड्रीनो 618 GPU है, 8GB रैम है और 128 और 256GB के स्टोरेज वेरिएंट्स हैं, जिन्हें आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं क्योंकि इन फोन्स के अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट्स दिए गए हैं जिनमें आप 1 TB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकेंगे। साथ में अगर बैटरीज की बात कर ले तो A52 के अंदर 4500 mAh की बैटरी है, जबकि A72 में 5000 mAh की बैटरी है, और ये दोनों फोन्स 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। अब ये स्नैपड्रैगन 720G एक बहुत ही पावरफुल और पावर एफिशिएंट गेमिंग चिपसेट माना जाता है। मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में इसे लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये आपकी सारी डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया और इवन हैवी एप्स चला लेगा। गेमिंग की बात करें तो पबजी जैसी गेम्स हाई सेटिंग्स और अच्छे फ्रेम रेट्स पर चलेंगी, और खासकर A52 के प्राइस पॉइंट पे मुझे यह चिपसेट बहुत ही पसंद आया है। इंटरफेस की बात करें तो दोनों फोन्स लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 के साथ आते हैं, जिसपे सैमसंग की One UI 3.1 लगी हुई है, और ये वही इंटरफेस है जो आप सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं। मेरा मानना है कि सैमसंग के सारे फोन्स की ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनके लोअर प्राइस फोन्स में भी आपको सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स जैसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। मेरे ख्याल में हम इस साल सैमसंग का एक बड़ा एवोल्यूशन देख रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि ये फोन्स अब अपने चाइनीज कंपेटिटर्स के साथ स्पेक्स के लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं, बल्कि इन फोन्स में आपको तरह तरह के वाव फैक्टर्स दिए गए हैं। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंटरनल्स, ये सारे वो फीचर्स हैं जो इससे पहले हमने सैमसंग के मिड रेंज फोन्स में कम देखे हैं, और ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही खुशायंद बात है। अब ऑब्वियसली मैं चल के इन फोन्स को कुछ दिन इस्तेमाल करूंगा और फिर रिपोर्ट बैक करूंगा अपनी अनबॉक्सिंग और रिव्यू के साथ। अगर गैलेक्सी A52 और A72 के बारे में आपके कोई भी सवाल या ख्याल हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो उस पर लाइक देना ना भूलेगा। इस वीडियो में इतना ही, देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।